फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं अस्क मेटा एआई एनीथिंग के बारे में। आपका मोबाइल में इस तरह जब भी आप व्हाट्सएप खोलते हैं तो देख सकते हैं आपको इस तरह यहाँ पे नीचे यहाँ पे देखने को मिलता है, एक रिंग के जैसा आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलता है। इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे कि ये किस तरह से हम लोग हटा सकते हैं और हटाने से क्या होगा, नहीं हटाने से क्या फ़ायदा होगा, इसके बारे में आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही काम का चीज़ है, ये आपका हर चीज़ बहुत ही आसान कर देगा। और ये अभी मेटा ने अपना इंस्टाग्राम, फेसबुक और अभी व्हाट्सएप में भी दे दिया है एआई। जैसे कि हम लोग गूगल में कुछ भी सर्च करते हैं तो कुछ भी सर्च करना होता है तो हम गूगल में सर्च करते हैं, कुछ भी जानकारी लेना होता है तो हम लोग गूगल में जाते हैं, और चैट जीपीटी पे हम लोग यहाँ पे कुछ भी पूछना होता है, कुछ भी जानकारी लेना होता है तो हम लोग चैट जीपीटी में जाते हैं। पर यहाँ पे अभी मेटा अपना इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप में दे दिया है। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अरुण और आप देख रहे हैं पीके अरुण टेक्निकल। तो यहाँ पे आज हम लोग बात करेंगे जो अभी व्हाट्सएप में एआई का ऑप्शन हमको मिला है, इसके बारे में बात करेंगे, इसका क्या क्या बेनिफिट है और इससे हम क्या क्या काम करवा सकते हैं, इसके बारे में चलिए आज हम इस वीडियो में बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए मैं आप लोगों को शॉर्ट टाइम में बताने का कोशिश करूंगा। तो उससे पहले फ्रेंड्स, प्लीज़ चैनल को लाइक कर, मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग देरी ना करते हुए मोबाइल की स्क्रीन को, जब भी आप यहाँ पे व्हाट्सएप ऑन करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे रिंग जैसे जो अपडेट आया है, ये नया एआई। अगर आपका नहीं आ रहा है, इस तरह का अपडेट आपका नहीं आ रहा है, तो आपको क्या करना है, पहले सबसे पहले आपका जो व्हाट्सएप है उसको अपडेट कर लेना है। अपडेट करने के बाद ये आपका ऑटोमेटिक ही आ जाएगा, ये अभी सबको देने लगा है, आपको भी मिल जाएगा। आप एक बार अपडेट करके देख लेना, आपको भी मिल जाएगा। तो जैसे ही आप यहाँ पे, अब यहाँ पे हम लोग क्लिक करते हैं, यहाँ पे जैसे हम लोग क्लिक करते हैं, कहाँ चला गया यार, यहाँ पे हम जैसे ही यहाँ पे इस रिंग वाला में क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह से आ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप यहाँ पे क्या क्या करवा सकते हैं, सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारा चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, कुछ भी आप मतलब यहाँ पे बताया आपको कि ये कर सकते हैं, हाउ डू गेट ग्लास स्किन, यहाँ पे कुछ इस तरह सब कुछ यहाँ पे आपको दिया है, मतलब एक टॉप मैंने टाइप दिया है कि इस तरह का सब कुछ पूछ सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं डू प्लान कम्युनिकेट, यहाँ पे कुछ मतलब के पेड़ पौधे के बारे में यहाँ पे जान सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं बेस्ट है, क्या क्या बहुत कुछ स्टोरी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, बहुत कुछ यहाँ पे ऑनलाइन डांस क्लास यहाँ पे कर सकते हैं, मतलब कि इसके बारे में भी जान सकते हैं यहाँ से, यहाँ पे बहुत कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ से कुछ हम इसके साथ हम करके देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं मेक फ्रेंड इन न्यू सिटी, यहाँ पे आप अगर कोई नया शहर अगर आप गए हैं तो यहाँ पे वहाँ पे आप दोस्त किस तरह से बना सकते हैं उसके बारे में यहाँ पे आपको जानकारी मिल जाएगा। तो चलिए इस पर हम एक बार देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या दिखा रहा है। तो हमने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे बहुत कुछ आप यहाँ पे इससे करवा सकते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स देख सकते हैं गेट आंसर टू एनी क्वेश्चन, यहाँ पे कुछ भी आप यहाँ पे क्वेश्चन इसको पूछ सकते हैं। और यहाँ पे नीचे देख सकते हैं पर्सनल मैसेज टाइप, यहाँ पे प्राइवेट मैसेज के बारे में कुछ भी इसको पूछ सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आप इससे इमेज भी क्रिएट करवा सकते हैं, सब कुछ करवा सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए हम यहाँ पे कंटिन्यू वाला ऑप्शन में क्लिक करते हैं। तो कंटिन्यू में क्लिक करते ही यहाँ पे मेक फ्रेंड यहाँ पे न्यू सिटी यहाँ पे आ गया देख सकते हैं। और यहाँ पे लिख के मतलब कि ये बता दिया कि किस तरह से आप यहाँ पे मतलब नया फ्रेंड्स यहाँ पे बना सकते हैं। यहाँ पे ज्वाइन लोकल ग्रुप एंड क्लब, मतलब कि लोकल ग्रुप एंड क्लब में आपको जाके वहाँ से फ्रेंड बना सकते हैं। और यहाँ पे इवेंट जो भी होता है उस पर आप जाके वहाँ पे दोस्त वगैरह वगैरह बना सकते हैं, सब कुछ यहाँ पे आपको पूरा विस्तार में बता दिया है, आप यहाँ पे उस तरह हिसाब से कर सकते हैं। तो चलिए इससे कुछ हम लोग पूछ लेते हैं, कुछ मतलब क्या क्या कर सकता है इसके बारे में चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। तो हम यहाँ पे क्या पूछेंगे इससे, कुछ लिखते हैं यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे हम इसको पूछते हैं कि गर्लफ्रेंड को कैसे खुश करें, हमने बस इतना लिखा और यहाँ पे हम सेंड कर देते हैं। तो देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है, कुछ आ रहा है कि नहीं। तो देख सकते हैं बहुत कुछ यहाँ पे लिख के भेज दिया है। यू आर आस्किंग हाउ टू मेक ए गर्लफ्रेंड इन हिंदी, हेयर सम टॉपिक, यहाँ पे बहुत सारा टॉपिक आपको यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पे बहुत सारा टॉपिक आपको लिख के भेज दिया है कि आप कुछ कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं सो जेन्युइन इंटरेस्ट टेक ए
टेक एन इंटरेस्ट इन गेटिंग टू कैनाउ हेयर एस ए पर्सनल। आप इस तरह का कर सकते हैं कुछ भी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप कुछ भी यहाँ पे पूछ सकते हैं, जैसे कि हम लोग कुछ भी अगर जानना होता है मेटा गूगल में चैट जीपीटी का यूज करते हैं, वैसे ही यहाँ पे आप कुछ भी यहाँ पे पूछ सकते हैं। और यहाँ पे माइक का भी ऑप्शन है, आप माइक पे क्लिक करके भी यहाँ पे कुछ भी पूछ सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे कुछ पूछते हैं। तो रांची से दिल्ली के लिए ट्रेन कितने बजे है, और यहाँ पे हम सेंड वाला में क्लिक कर देंगे। तो देखते हैं, और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लिख के आ गया, यहाँ पे क्या लिखा है, टू रांची से रांची दिल्ली के लिए ट्रेन कितने बजे है। और यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे ट्रेन का नंबर भी दे दिया है और कितना बजे है, एट यहाँ 4:10 में एंड यहाँ पे 6 बजे के करीब यहाँ पे दिखा दिया है। देख सकते हैं इतना यहाँ पे ट्रेन आप लोग को शो कर गया। और यहाँ से आप दिल्ली टू रांची ट्रेन टाइम एंड फेयर यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ बुक करने के लिए भी यहाँ पे देख सकते हैं, अगर बुक अगर करना चाहते हैं तो इस पर शायद क्लिक करके यहाँ पे बुक भी हो सकता है। और फ्रेंड्स यहाँ पे इमेज क्रिएट करने के लिए भी वहाँ पे बताया था कि इमेज भी आप क्रिएट करा सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे कुछ इमेज क्रिएट करवा के देखते हैं। तो इस पर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। एक चूहा और बिल्ली गेंद खेलते हुए इमेज बना के दो। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे गेंद खेलने वाला तो हमें मिल गया, पर चूहा नहीं है, शायद हमने अच्छा से बोला नहीं। तो चलिए और एक यहाँ पे प्रॉन हम यहाँ पे इमेज बना के देखते हैं तो क्या बनाएंगे। एक हाथी क्रिकेट खेलते हुए फोटो बना के दो। ये तो हाथी तो नहीं है रे भाई, शायद हमने वहाँ गलत बोला है, वहाँ पे देखे नहीं क्या आया है। देखते हैं, एक हच्ची आ गया। देखते फिर से, एक एलिफेंट क्रिकेट खेलते हुए स्टेडियम का फोटो बना के दो। इसके बाद यहाँ से हम लोग इसको सेंड कर दिए। वाह भाई वाह, देख सकते हो ऑसम यार ऑसम। देख सकते हैं एक हाथी है और क्रिकेट भी खेल रहा है, बल्ला है गेंद है, और तो ये खेल तो सकता नहीं है, इसे ये सूंड में पकड़ के उसको खेलेगा। इस तरह का देख सकते हैं प्रॉन्ड आ गया है, मतलब कि इमेज आ गया है। अब क्या होता था पहले कि हम लोग किससे कुछ कोई भी चीज़ से हम लोग AI फोटो बनाते थे, तो पहले हमें प्रॉन्ड लिखना पड़ता था। प्रॉन्ड बहुत तरह मैंने बहुत जगह से या तो डाउनलोड करते थे हम लोग, मतलब प्रॉन्ट को कॉपी करते थे और यहाँ पे पेस्ट करके हम लोग मतलब फ़ोटो क्रिएट करवाते थे। अब यहाँ क्या होगा कि आप बोलो खुद, और यहाँ तो यहाँ से आप लिख भी सकते हैं अपने से, तो बहुत ही आसान है यहाँ पे, बहुत जो भी करवा सकते हैं आप यहाँ पे करेगा, जो भी ऑर्डर आप इसको देगो वो आपका काम कर देगा। तो चलिए कुछ और करके देखते हैं। इंस्टाग्राम वीडियो वायरल कैसे करवाएं। तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारा हमें यहाँ पे बता दिया है कि क्या क्या करना है। यहाँ पे देख सकते हैं यूज इंस्टाग्राम फ्यूचर, यहाँ पे प्रमोट योर वीडियो भी प्रमोट करने बोल रहा है, यहाँ पे कोलैब करने के लिए बोल रहा है, और यहाँ पे एंगेज बढ़ाने के लिए बोल रहा है। तो जो जो हम लोग बताते थे वही सब कुछ बता रहा है, उसके से ज़्यादा ही बता रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं पोस्ट एट द राइट टाइम,
सही टाइम में पोस्ट करने के लिए बोल रहा है, यहाँ पे टैग भी लगाने के लिए बोल रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी इससे आप पूछ सकते हैं, जो भी आपको मतलब कि जानकारी नहीं है तो यहाँ पे इससे पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स बहुत ही काम का चीज़ है, आप देख सकते हैं बहुत ही काम का चीज़ है, जो भी आप यहाँ पे करवाना चाहते हैं आप यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे इमेज इससे क्रिएट करवाया, बहुत ही अच्छा इमेज यहाँ पे बना के दिया, देख सकते हैं जो जो सवाल मैंने इससे किए सबका सही सही जवाब दिया। अब यहाँ पे हम इससे पूछ लेते हैं कि एक हिंदी गाना लिख के दो। अब हमने एक हिंदी गाना इसको लिखने के लिए बोला है, देखते हैं क्या कर रहा है। दिल की आवाज़। और गाइस देख सकते हैं यहाँ पे हमने जो गाना बोला था गाना लिख के यहाँ पे आ गया, ये अब कहीं का कॉपी नहीं है, नया मतलब कि नया आपको लिख के दिया है। यहाँ पे देख सकते हैं तेरे बिना खाली है ये जहाँ मैं, और इसका इंग्लिश भी यहाँ पे लिख के आ गया है, और यहाँ पे मेरे दिल की धड़कन तेरे लिए ही है। ये सब कुछ नया नया आपको देख सकते हैं। दिल की आवाज़ सुनो मेरे प्यार, तेरे लिए है बीती है जिंदगी, ने क्या इस तरह कुछ लिख के दिया है। तो आप यहाँ पे कुछ भी इससे लिखवा सकते हैं नया नया, यहाँ पे अगर आपको गाना क्रिएट करवाना है तो यहाँ से क्लिक करके क्रिएट करवा सकते हैं। तो बहुत ही काम का चीज़ है, बहुत ही आसान कर दिया हमारा AI आके अभी, तो देख सकते हैं अभी AI का ज़माना और AI आके बहुत ही आसान कर दिया। तो फ्रेंड्स इससे आप कुछ भी करवा सकते हैं, तो आपको पता चल गया कि इससे हम क्या क्या करवा सकते हैं। शायद मैं अभी पहली बार यूज़ कर रहा हूँ इसीलिए मैं इसको सही से कमांड नहीं दे पा रहा हूँ, तो कुछ दिन में मैं इसको सही से कमांड देने लगूँगा। तो आप भी इस तरह करके इससे कुछ भी करवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आप लोगों को ज़रा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।